बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी एक्टिव हैं और वो अक्सर कई बड़े मुद्दों पर पोस्ट शेयर करते रहते हैं। सोशल मीडिया के साथ ही अमिताभ के मीडिया के साथ भी काफी पॉजिटिव रिलेशन है। हालांकि ऐसा हमेशा से नहीं था और अमिताभ पर प्रेस ने लगभग 15 सालों का बैन लगा दिया। दरअसल इमरजेंसी के दौर में फिल्मी खबरें जानने के लिए एंटरटेनमेंट चैनल्स और सोशल मीडिया जैसे माध्यम नहीं होते थे और फिल्मी न्यूज के लिए फिल्मी मैगजीन ही एकमात्र जरिया होती थी। इमरजेंसी के चलते इन मैगजीन्स को नुकसान पहुंचा था। ये धारणा आम होने लगी कि अमिताभ बच्चन ने ही फिल्मी मैगजीन पर बैन लगवाया। इसके चलते मीडिया की तरफ से उन पर एक तरफा अघोषित बैन लगा दिया। ये समझा गया कि इस बैन को लगवाने में अमिताभ की ही भूमिका रही होगी क्योंकि वो गांधी परिवार के करीबी हैं। जब इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गई तो सिनेबिलिटीज और स्टार डस्ट जैसी बड़ी मैगजीन के एडिटर्स ने एक मीटिंग की और फैसला किया कि वो अमिताभ बच्चन की खबरें और फोटो नहीं छापेंगे। ऐसे में कुछ दिनों तक तो अमिताभ को पता भी नहीं चला कि मीडिया ने उन्हें बैन कर दिया। हालांकि जब उन्हें पता चला तो उन्होंने भी मीडिया को बायकॉट कर दिया। फिल्म कुली में दुर्घटना के बाद से बेहतर होने लगे थे अमिताभ और मीडिया के संबंध। हालांकि 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन घायल हो गए तो पूरे देश ने उनके लिए दुआ मांगी। फिल्मी मैगजीन के मालिकों ने भी अमिताभ के ठीक होने की कामना की और इसके बाद ही मीडिया और अमिताभ के बीच चीजें बेहतर होती चली गई। 1989 में अमिताभ बच्चन का नाम बोफोर्स घोटाले के चलते सुर्खियों में आ गया था। इसी दौरान अपनी बातें क्लियर करने के लिए अमिताभ ने फिल्म अजूबा के सेट पर अपनी पीआर टीम के जरिए प्रेस वालों को मिलने के लिए बुलाया। यहाँ बिग बी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा था कि इमरजेंसी के दौरान लाखों की सेंसरशिप में मेरा कोई हाथ नहीं था। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।